जिस अधिकारी के लिए बाह्य और आभ्यंतर सभी प्रकार की शुद्धि और एकाग्रता के साधन की आवश्यकता है, ऐसे मंदा अधिकारियों के लिए अष्टांग योग से अशुद्धि का क्षय होगा। अशुद्धि है जो क्लेश है, क्लेश और उसके कार्य को ही यहाँ अशुद्धि के रूप में कहा जा रहा है। तो अशुद्धि क्षय होने से जो आगे की स्थिति उसको सदा प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए पहले 8 अंगों में और 8 अंगों का भी जो सर्वप्रथम अंग है यम, उस यम में अहिंसा को सबसे प्रथम में रखा और भाष्यकार ने कहा कि अहिंसा के लिए ही ये सारे कुछ कहा जा रहा है। मैंने ये जो साधन है और साध्य है ये दोनों अहिंसा पर आधारित है। तो अहिंसा अहिंसा से शुरू होता है और अहिंसा का ही विस्तार करते हुए वो अंतिम में पुनर्जन्म रहित मृत्यु को, मृत्यु से पार हो जाता है और अमरत्व को प्राप्त करता है। इसलिए अहिंसा सबका परम आधार ऐसा कहा गया है। और उसके बाद सत्य है और अस्तेय ब्रह्मचर्य आदि अपरिग्रहांत यम है। तो ये यम कब तक अनुष्ठान करना चाहिए? तो ये आभ्यंतर साधन होने से, अंदर मन के भावना रूप होने से, ये जाति देश काल समय अनवच्छिन्न होकर सार्वभौमा महाव्रतम कहा। इस सभी अवस्था में इसके अनुष्ठान हो जाना चाहिए, तभी ये प्राप्त हो सकता है, इसका फल प्राप्त होगा और आगे आप इस जन्म में अथवा आगे के जन्म में समाधि फल को प्राप्त कर सकेंगे। अब जो नियम कहे जा रहे हैं ये बाह्य प्रधान साधन है, तो इसका मतलब इसका आचरण शरीर आदि से होना है। जो पहले जो कहा उसका तो मन से होना है, इसलिए असंतत वृत्ति होगी, संतत वृत्ति नहीं होगी। जो संतत करने का है वो पहले कहा गया, क्योंकि मानसिक साधन होने से संतत है, पर ये असंतत होगा। मैंने समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार जैसा चाहिए वैसा उसको कम ज्यादा करना होगा। तो नियमों के लिए सूत्र है, शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधान ये नियम कहे गए। तो नियम का अर्थ होता है कल जैसा महाव्रतम का, जो संकल्प लेके प्रयत्न पूर्वक आचरण करने योग्य है उसको व्रत कहा जाता है। पहले हम उसको करने का संकल्प लेते हैं, फिर उसका पालन करने के लिए प्रयत्न करते हैं, ये व्रत होता है। लोग में व्रत इस नाम इसी को ही कहते हैं।
इसलिए पहले में व्रत शब्द का प्रयोग किया। अभी ये तो नियम है, नियम का अर्थ होता है ये भी नियमित रूप से प्रतिदिन अनुष्ठान करना ही चाहिए, ये होता है, इसको भी आप छोड़ नहीं सकते। जो नियम कहे जाते हैं, जिस अधिकारी के लिए जो नियम कहे जाते हैं उसको वो आचरण करना ही चाहिए। यदि आचरण नहीं करेंगे तो अनियम हो जाता है, अनियम में अव्यवस्था होती है। अव्यवस्था होने पर आपके मन जो कार्य आपको करना है वो सही नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार इनका पालन सही प्रकार नहीं करेंगे तो ये अव्यवस्था हो जाएगी, आपके साधन में अव्यवस्था हो जाएगी। तो शारीरिक रूप से भी आप साधन के लिए व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे और उसके द्वारा मानसिक रूप से भी व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे। यद्यपि इसको शरीर प्रधान कहा गया है बाह्य साधन रूप से, तो भी ये मन के सहित होता है। कोई भी अकेला केवल शरीर का ही है ऐसा तो होता नहीं है, प्रधान रूप से कहा। तो ये शरीर को व्यवस्थित करने के लिए और शरीर के साथ मन के संबंध को भी व्यवस्थित करने के लिए और उसके द्वारा साधन को आगे बढ़ाने के लिए इसको नियम से पालन करना पड़ेगा, ये उसका अर्थ हो, इसलिए नियम इसको कहा गया। नियतेन यम है वो, या नित्य रूप से यमित, दोनों रूप से नियम शब्द का होता है। उसमें सबसे पहले है शौच। शौच दो प्रकार का होता है, बाह्य और आभ्यंतर। इसके लिए भाष्य में कहते हैं तत्र शौचम मृज्जलादि जनितम मेध्य अभ्यवहरणादि च बाह्यम आभ्यंतरम चित्तमलानाम आच्छालनम। तो शौच दो प्रकार का है, बाह्य और आभ्यंतर। उसमें जो बाह्य शौच है वो मृज्जलादि जनित होता है, मृत्तिका आदि से शरीर को शुद्ध करना। और केवल शरीर को ही नहीं, जो जिस स्थान पे आप रहते हैं उस स्थान को भी शुद्ध करना, जैसा जो कमरे आदि में आप रहते हैं कमरे को शुद्ध करना और अपने वस्त्रों को शुद्ध करना, बाद में शरीर को भी शुद्ध करना। क्योंकि केवल शरीर को शुद्ध करेंगे आप, बाहर झाड़ू नहीं लगाएंगे, कमरा साफ नहीं करेंगे, तो वो शरीर की शुद्धि से प्रयोजन नहीं होता है और शरीर की शुद्धि कभी पूरी नहीं हो पाती है। वैसा तो शरीर की शुद्धि कभी पूरी नहीं होती है, तो भी उसको आपेक्षिक ढंग से शुद्ध रखना आवश्यक होता है। तो ये शुद्धता क्यों कर रहा है? कई लोग कहते हैं कि बाह्य शुद्ध होने से भी अच्छा है आभ्यंतर शुद्ध होना, जिसका अंदर मन शुद्ध है उसको बाह्य शुद्धि की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी कहते हैं। और शुरू से ही सब अवधूत बन जाते हैं, कुछ स्नान स्नून नहीं करना है, कोई शौच कार्य नहीं करना है, हाँ ये सब सामान्य लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है, ऐसा समझता है। ये देखिए आगे इसका फल बताएंगे, इस शौच करने से क्या फल होता है, वो कहाँ तक उसका फल को ले जाते हैं, इसको आगे बताएंगे। हमारे नियम में, हमारे ही नियम नहीं है, कोई भी धार्मिक चिंतन है जिसका भी, उसके जीवन के नियमों में शौच को ही सबसे पहले रखा है। शौच रहित कोई भी धार्मिक आचरण नहीं होता। तो जिसको शौच शुचित्व सिद्ध है वही आगे धार्मिक आचरण में प्रवृत्त हो सकता है। तो ये क्यों ऐसा रखा, इसका कारण सबसे पहले एक कारण ये है, ये शौच करने से, शरीर को शुद्ध करने से एक अलग प्रकार का बोध चिंतन हमारे मन में उत्पन्न होता है,
जो अलौकिक होता है, अलौकिक माने सामान्य सोच से अलग होता है। सामान्य सोच में जहां आपको आवश्यकता है वहां आप करते हैं, वहां भी आपको जानकारी होने पर करते हैं। जैसे शरीर में कोई धूल लग गया, मल लग गया, कुछ जलने लग गया शरीर, तब आपको लगता है शरीर गंदा हो गया अथवा बदबू लगने लगा, तो आप स्नान करने के लिए सोचते हैं। किंतु ये तो एक बोध के कारण नहीं हो रहा है, ये एक जैसा अशुद्ध आपको लग रहा है, बदबू लग रहा है, तब आप कर रहे हैं। किंतु शौच एक बोध है कि हमें इसको शुद्ध रखना है, ऐसा एक बोध होता है, उसको शौच कहते हैं। उसके बोध रहने से आपको बाह्य शुद्धता के साथ आंतरिक शुद्धता भी रहती है। और बाह्य शुद्धता में ये बोध क्या करता है, जो आपके संबंध में नहीं है, जिसको आपको दूर रखना चाहिए, जिसके स्पर्श से, जिसके संसर्ग से आप अशुद्ध हो जाते हैं, उसका संसर्ग नहीं करेंगे, ये एक बोध होता है। बार बार साफ करना पड़ता है, इसलिए आप धूल में नहीं जाएंगे, क्योंकि धूल लगेगा तो स्नान करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। आप स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं तो ये बोध हमेशा मन में रखते हैं कि हमारे वस्त्र शुद्ध रहें, कहीं भी खीचड़ा आदि ना लगे, वो खराब जगह पे हम ना बैठें, कहीं हमारा वस्त्र का स्पर्श स्थान में ना हो, अशुद्ध ना हो, इसका बोध रहता है। तो वस्त्र को जैसा आप संरक्षित करते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वस्त्र में गंदगी लगने पर उसको साफ करना कठिन हो जाता है, और उसमें कभी साफ भी नहीं भी होता है, इसलिए आप ये सोचते हैं, ये बोध रखते हैं कि हमें उससे संसर्ग नहीं करना है, उस वस्तु से संसर्ग नहीं करना जिससे हमारे वस्त्र मलिन हो जाए। तो इसी प्रकार आपको शरीर के साथ भी जिसका संपर्क हो उससे मालिन्य हो जाता है, तो उससे भी अलग रहने का बोध आपके अंदर होगा। तो अभी एक प्रकार से पहचान हो जाएगा कि कौन मल आपके शरीर को दूषित करता है, कौन नहीं करता है, कौन मल है, कौन मल नहीं है, ये विवेचन भी धीरे धीरे होने लगता है। छोटे बच्चों को ये विवेचन नहीं रहता है, धीरे धीरे बड़े होने पर वो विवेचन रखता है। और आपके शरीर में बदबू आता है तो आपको पता चलता है, छोटे बच्चे को पता नहीं चलता है वो बदबू क्या है, सुगंध क्या है, उसको पता नहीं चलता, किंतु आप बदबू को पहचानते हैं और उसको दूर करने के लिए सुगंध आदि लगाते हैं, संड लगाते हैं। तो अब एक बोध हो गया, शौच के संबंध में एक बोध हो गया, उस बोध को निरंतर बनाए रखेंगे तो आप अनावश्यक चीजों से संपर्क नहीं करेंगे, ये भावना मन में स्थिर हो जाएगी। और वो भावना स्थिर होने से क्या है कि आप मन में भी और उसके पहले इंद्रियों में भी ये भावना को लाएंगे। आंख से ऐसे कोई वस्तु को नहीं देखेंगे जो आपको अशुद्ध लगे, अच्छा न लगे, जिसको त्यागने के लिए शास्त्र कहता है, ऐसे वस्तु को देखने की इच्छा नहीं करेगी, क्योंकि आपका एक बोध हो गया संसर्ग नहीं करने का, इसलिए परैर असंसर्ग कहेंगे आगे। तो धीरे धीरे ये बोध इंद्रियों के संयम के ओर ले जाता है, इंद्रियों को नियंत्रित करने के ओर ले जाता है, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध का विवेचन से ही आप इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं। जैसे आप वस्त्र आदि को संरक्षित करते हैं, शरीर को संरक्षित करते हैं, हाथ पैर को गलत जगह पे जाने से रोकते हैं, इसी प्रकार धीरे धीरे आप इंद्रियों को भी गलत विषय पर जाने से रोकते हैं। जो गलत विषय करके शास्त्र कहता है, जो आपके मन में बैठा हुआ, ये हमारे लिए उचित नहीं, ऐसे विषय, इसका बहुत बड़ा फल है। और ये जैसा इंद्रिय से अंदर मन में जाएंगे तो मन में भी यही होता,
तो जितने वृत्तियों को रोकने के लिए शास्त्र कहता है उन वृत्तियों को आप आने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो अशुद्ध हो जाएगा, मन अशुद्ध हो जाएगा। कभी लोग बोलते भी है, अरे देखो पूजा में बैठ के ऐसे सोचना नहीं चाहिए। ये जो अपना सूत्र है योगेन चित्तस्य परेण वाचां, ये भी इसी शुद्धि के लिए। जी जी, तो वो जो बुद्धि मन में ये स्थिरता होती है कि हमें ऐसे चीज से संपर्क नहीं करना है, तो वो आपको इंद्रियों के संयम करने के लिए, मन को संयमित करने के लिए सहायक होता है। यदि आप शौच का भली प्रकार आचरण नहीं करते हैं, तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि आपका मन विषयों से लिप्त होने में उसको कोई रुकावट नहीं होता है। जो शौच का बोध को बराबर बनाए रखते हैं वो विषयों से निर्लिप्त होने में प्रयत्न करता है, ये गहराई तक जाएगा। इसलिए नियम से करने के लिए कहा। और जो लोग ऐसे वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, खाते हैं, जो गंदगी मतलब पुरानी चीजों को, गंदगी चीजों को जैसा शराब आदि पीते हैं, अथवा उस प्रकार से मादक पदार्थ, जो मादक पदार्थ है उसको खाते हैं, तो उनको एक प्रकार के बोध ऐसा रहता है कि ये कर सकते हैं। और ये कर सकते हैं रहेगा तो आपके शरीर आपका शौच के साथ नहीं देगा और मन भी नहीं देगा, मन गलत विषय को पकड़ेगा, छोड़ने से वो लज्जा नहीं आती है उसे, क्योंकि वो पहले से ऐसे चीज पी रहा है, खा रहा है, तो उसके मन में वो विषय को त्यागने की इच्छा उसके प्रति कम होती है। आप लोगों को परीक्षा करके, निरीक्षण करके देख सकते हैं उनकी भावना ऐसे होती है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे चीज जा रहा है, वो शुद्ध को ही पहचान नहीं रहा। तो शुद्ध को नहीं पहचानेंगे तो अशुद्ध में जाने से कौन रोकेगा, आपको अपने आप ही रुकना पड़ेगा, दूसरा रोकने से काम नहीं चलता है। इसीलिए कभी भी ऐसे अशुद्ध पदार्थों को सेवन करता हुआ और अशुद्ध विषयों को सेवन करता हुआ आप शुद्ध के, जो परम शुद्ध की स्थिति है, परम आनंद स्वच्छता की स्थिति है, उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते, मन वहां जाएगा ही नहीं, ये निश्चित है। क्योंकि पहले ही हमने कहा मन को जिस जैसा आप अभ्यास करेंगे, मन को जैसा जैसा आप मार्गदर्शन करेंगे वैसा ही मन करता रहेगा। इसीलिए वो एक बार में दो बार में बदलता नहीं है, आदत से ही वो भी बदलेगा, आदत से बना हुआ आदत से ही बदलेगा, अभ्यास से बनी हुई जो आदत है तो अभ्यास से ही वो बदल, अन्यथा नहीं होता है। इसीलिए हमारे शास्त्र इतने मतलब ये गहराई से सोच करके ही इतने बार बार आपको इसको शुचित्व के बारे में इतना बोलता है कि वो मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा वैसा मत करो। ये क्यों बोलता है, लोग बोलता है ये तो बहुत ज्यादा बोलता है, छुआछूत की बात करते हैं, छुआछूत की बात नहीं है। इसके बिना आप वो परम शुद्ध स्वरूप तक जा नहीं सकते, आपका मन वहां जाएंगे नहीं, आप मन में कचरा भरते रहेंगे। तो बाह्य शौच का ये आध्यात्मिक गुण ये है, यहां से लेके शुरू होता है। इसके बाद अभ्यंतर शौच में मन आता है मुख्य रूप से, जो हम सब जानते हैं। मन में आपके प्रयत्न के द्वारा होने वाले शुचित्व 50% ही है, बाकी 50% पूर्व पूर्व संस्कार, पूर्व जन्म से संलिप्त रहता है। इसीलिए आप काफी प्रयत्न करने पर भी कुछ गलत वलत मन में विचार आ जाता है, वो आपके वश में नहीं है। जैसा आप स्वप्न अवस्था में सोचते हैं स्वप्न अच्छा आए, किंतु स्वप्न बुरा भी आता है, तो ये 50% क्योंकि वो उसी के अनुसार चलता है, यहां से जो असर बाहर से आप दे रहे हैं उसका प्रयत्न वहां कम काम करता है, किंतु शरीर के बारे में ऐसा नहीं। शरीर को पूरे शुचि, मैक्सिमम शुचि रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं, और शरीर का भी अपना कुछ स्वभाव होता है, उससे तो मल निकलता ही रहता है।
और मल निकलते रहने से और ये शुचित्व को बार बार करते रहने से ये आगे फल बताएंगे उसको वैराग्य भी परिनिष्ठित होता है। जो विरक्त होगा वैराग्य आएगा उसको इस प्रकार शरीर के बारे में संबंध रहेगा। लोग सोचते हैं वैराग्य होने पर शरीर को अनदेखी करता है, शरीर को शुचित्व को नहीं रखता है। हमारे यहां सबसे ज्यादा वैराग्य को सबसे ज्यादा शुचित्व बोला, उल्टा दिख रहा है। यदि आप परम वैरागी होना चाहते हैं तो आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, वो बाथरूम जाके इतना बार नहाना पड़ेगा, इतने बार हाथ साफ करना पड़ेगा, जो लघु शंका करके इतना हाथ साफ करना पड़ेगा, इतना आचमन करना पड़ेगा, इतना ये करना पड़ेगा, ये सब क्यों बोल रहा है? ये सब वैरागी के लिए बोल रहा है। तो ये वैराग्य के लिए बोल रहा है तो वैराग्य का उसका कोई संबंध है? संबंध ये है कि ये कितने बार करेगा तो वो कम से कम एक बार सोचेगा हमारे शरीर कितना गंदा है, उससे से एक चीज बाहर निकल गया तो हमको इतना स्नान करना पड़ रहा है और ये सारे इकट्ठा करके अंदर रखा है, ये सारे मल के साथ जी रहा है। और बढ़िया जो है उसके लिए फिर आप अलंकार भी करते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, बढ़िया आसन में बोलते हैं, मल मल के कपड़ा पहनाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो अंदर पूरा घटिया है उसका, उसका अंदर कुछ भी दिखाई पड़ेगा तो मलमल का कपड़ा तो क्या है, वो तो उसको देख करके लोग बैठेगा ही, ऐसा है। तो ये वैराग्य आएगा नहीं है, तो वैराग्य आएगा शरीर के, शरीर से विलक्षणता आएगी। और आप गंदा रहेगा तो कभी भी आपको इसके ये विचार नहीं आए, हुआ नहीं सकता, क्योंकि ये बोध है, मन का एक प्रकार का बोध है। तो सफाई में शुचित्व में इतना सब फल है, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये मृज्जलादि जनित बाह्य आभ्यंतर बाह्य शौच और आभ्यंतर शौच चित्तमलानाम प्रक्षालनम आच्छादन, चित्तमलों को जो कहा गया है उसका आच्छादन करना। चित्तमल में पहले भी बहुत कुछ कहा, जो मैंने व्याधि आदि से जो संबंध करके कहा, और यहाँ अविद्या आदि क्लेश ही चित्त का मुख्य मल है और उससे होने वाले समाधि की दृष्टि से वृत्तियाँ भी मल ही है। तो ऐसा ऐसा जो जो कहेंगे उस स्तर में वो सब मल है, मुख्य रूप से अविद्या आदि पंच क्लेश राग द्वेष आदि से, क्योंकि चित्त में होने वाले कोई भी विक्रिया है उसमें इनमें से कोई भी रहेगा, और उसमें मुख्य रूप से कल हम कहा था अविद्या अस्मिता अभिनिवेश, इन तीनों के आधार पर ही सब कुछ आप करते हैं। जितना भी आपका पाप होता है, जितनी भी आपकी गलतियां होती है, ये सारे इन तीन के ही संबंध में होते हैं, या तो अभिनिवेश के लिए या तो अस्मिता को बढ़ाने के लिए ये सब होता है। इसलिए इस दृष्टि से शौच का तत्व को समझना है, ये कोई बताता नहीं है। यद्यपि आश्रमों में आप रहते हैं या ऐसे आचरण करने के लिए आप तैयार होते हैं, साधक बनते हैं, तो बहुत सारे नियमों को बताएंगे, ये करो वो करो, किंतु ये सब किस लिए किया जाता है, क्यों करना है, इससे क्या फायदा होगा, इसका कोई विश्लेषण कोई आश्रम में नहीं करता है। ये करने से आपको ये फल होगा करके नहीं बोलता है। तब क्या है, हम जबरदस्ती करते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है, हमको तो गंदा रहने की आदत है, शुद्ध रहने की आदत नहीं है, तो नहीं होने से आप ये बोल रहे हैं, जबरदस्ती लगता है। और हमारे आचार्य संहिता में इसके लिए सबके लिए कारण बताए, आचार्य संहिता भी आजकल कोई नहीं पढ़ा रहे, केवल नियम बता देते हैं, आप रोज आरती में आओ, फिर आरती में नहीं आएंगे तो आश्रम से निकाल देंगे, हाँ फिर आप रोज सुबह 5 बजे स्नान करो, नहीं करेंगे तो आश्रम से निकाल देंगे, तो ये कभी नहीं कहता है रोज आरती में आने से आपका क्या आध्यात्मिक फल होता है। ये नहीं बताते हैं कि आप 5 बजे उठ के स्नान करने से या आप ध्यान में करने से, जप करने से या रुद्री पाठ में बैठने से, महीना पाठ करने से, ये सब आपको क्या आध्यात्मिक प्रयोजन होता है, इससे क्या वृद्धि आपको होती है, ये नहीं बताते। ये नहीं बताने पर वो फल दिखाई नहीं पड़ता है, उसको दिखाई नहीं पड़ने पर करने को तैयार नहीं होता। आदमी का स्वभाव है उसको फल दिखाई पड़ेगा तो जरूर करेगा, फल मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम होगा तो करने से पीछे हटेगा। फल मालूम होता है, उसको अंदर कुछ परिवर्तन मालूम होता है तो जरूर उसको अपनाएगा, उसमें करने की बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इसको ठीक से समझाना पड़ता है, विशेष करके साधकों को, नहीं समझाएंगे तो जबरदस्ती वाली बात होती है, जबरदस्ती में कुछ होता नहीं, जबरदस्ती बच्चों को किया जाता है।
बच्चे जानते नहीं, उनके बुद्धि विकसित नहीं है, वो जो बात आप कहेंगे उसको समझ नहीं सकते, इसलिए उसको जबरदस्ती कराना पड़ता है। क्योंकि जो वयस्क हो गए हैं उनको जबरदस्ती कराने से फायदा नहीं है, उनको तो समझ के करने से फायदा है। उसके बाद तमस आता है यानी संतोष। संतोष भी एक परम साधन है। संतोष तो तृप्ति है, जिसको हम तृप्ति कहते हैं, जो हमें प्राप्त हो गया उससे संतोष। तो संतोष होने से क्या है, अधिक प्राप्त करने की प्रवृत्ति रुक जाती है, मन की अधिक लालसा रुक जाती है कि हमें ये प्राप्त हो रहा है, ये बहुत है, कि बहुत कुछ हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये बहुत क्या प्राप्त हो रहा है उसको आप समझेंगे तब होगा। तो तृप्ति ही संतोष है, संतोषमेव परमं निधानम्। और आनंद का परम निधान संतोष ही है। संतोष जिसको नहीं है उसको आनंद नहीं होता, तृप्ति जिसको नहीं है आनंद नहीं होता। तो तृप्ति नहीं होने पर यह बढ़ता रहता। मनसी च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्र। जब मन संतुष्ट हो गया तो वहां धनवान और दरिद्र का भेद नहीं है। जो संतुष्ट नहीं है मन से वही दरिद्र होता है, क्योंकि वो बार बार मांग रहा है, मिलने से भी मांग रहा है, 100 मिले तो 1000, 1000 मिले तो 10000, 10000 मिले तो लाख, इसकी इच्छा बनी रहती है, तो वो दरिद्र ही रहता है हमेशा। और जो जिससे मिल रहा है उसको तृप्ति है तो वो धनवान हो गया। इसलिए जब धृतराष्ट्र पांडवों को माने हराना चाहता है, पांडवों की भी जो संपत्ति है उसको लेकर के दुर्योधन को देना चाहता है, दुर्योधन के पास पहले से है, पांडवों को कुछ गांव ही दिया गया था, और फिर उसके लिए लेकर के लड़ाई हो गया जो हो गया। तो विदुर से बात करते हैं तो विदुर कहते हैं, देखिए राजन, ये जो आप कह रहे हैं कि इतना सब मिलने से मेरा पुत्र तृप्त हो जाएगा, पांडवों के पास जो गांव है वो भी इनको मिल जाएगा तो मेरा पुत्र तृप्त हो जाएगा, ये होने वाला नहीं है। और सत्य ये है कि मनुष्य जीवन चलाता है, जीवन चलाना सबके लिए बराबर है, इसके पास 1 रुपया है वो भी जीवन चलाता है, प्राण धारण करता है, अपने हिसाब से अन्न खाता है, सोता है, सब कुछ करता है। जिसके पास 100 रुपया है वही भी करता है, 1000 रुपया 1,00,000 रुपया जिसके पास है वो भी करता है, उतना ही रोटी खाता है, वैसा ही सोता है, वैसा ही उठता है, उसका सब बराबर होता है, जीवन तो सबके लिए समान है। यदि 1 रुपया मिला और उससे जो अन्नपान हो गया उससे वो तृप्त है तो उसका जीवन संतृप्त है, और उससे वो तृप्त नहीं है तो वो अतृप्त ही है हमेशा। जो 1,00,000 रुपया जिसके पास है उससे वो खान पीन हो गया, उसका जीवन चला है, वो तृप्त है, तो उसका 1,00,000 रुपया का प्रयोजन है, तृप्ति है। यदि तृप्ति नहीं है तो उसका प्रयोजन नहीं। अभी इतना मिला हुआ है और 5 गांव मिलने से आपका पुत्र तृप्त हो जाएगा, ये नहीं लगता। सहस्रिणो भी जीवंती जीवंती शदिनस तथा धृतराष्ट्र विमुंजे चा न कथंचित न जीव्यसि। ये महाभारत का श्लोक है। जिसके पास 1,000 रुपया है वो भी जीते हैं, जिसके पास 100 रुपया है उनका भी जीवन चलता है। कैसे चलता है? तृप्ति अपने हिसाब से चलता है। इसीलिए ये तृप्ति ही महाधन है। आपको भगवान जो दिया है आपके प्रारब्ध से अनुसार जो आ रहा है उससे तृप्त होकर के आगे कार्य करना, ये हमारे भारतीय संस्कृति में ये रहा, तृप्ति की बात रही। ज्यादा हम व्यवसाय को बढ़ाना नहीं चाहते थे, वो नहीं सिखाया। ज्यादा आप आकांक्षित हो जाए, लालसा वाले हो जाए, ये नहीं सिखाया। और व्यक्ति को जितना चाहिए उतना कमाओ, उतने से आप जीवन चलाओ, ये हमारे संस्कृति में रहा। इसीलिए इतना सब होने पर भी हमारे जीवन का कुछ अलग स्तर था, किंतु अब ऐसा नहीं है।
अभी हमारे संस्कृति का ये चीज को बदलने के लिए सब लोग तैयार हो गया है। तो वो कहता है ज्यादा से ज्यादा मांग बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा मांग बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा सामान उत्पन्न करेंगे, तो ज्यादा सामान उत्पन्न करेंगे तो व्यवसाय ज्यादा होगा, ज्यादा व्यवसाय होगा तो ज्यादा धन की उत्पत्ति होगी, तो आपका देश विकसित बनेंगे। किंतु इसमें अभी भी ये लड़ाई चल रहा है, ऐसा होने वाला नहीं है। आप अपने मांग को बढ़ाते जा रहे हैं, आप अपने को अतृप्त करते जा रहे हैं, जैसे अतृप्त करते जा रहे जाएंगे वैसे ही आपके मन में दूसरे के हड़पने की इच्छा बनी रहती है। सामर्थ्य तो सामर्थ्य की पुष्टि तो हो सकती है, सामर्थ्य को बनाया जा सकता है, सामर्थ्य विकसित होगा, किंतु तृप्ति नहीं है तो नहीं हो सकता। इसलिए तृप्ति ही एक साधन है, और साधक के लिए तृप्ति के बिना तो हो ही नहीं सकता है। साधन को लेकर के तृप्ति नहीं है, किंतु विषय को लेकर के तृप्ति है। कोई कोई साधन को लेकर के भी तृप्ति होता, मेरा सब साधन हो गया अभी तो कुछ भी करना नहीं, जो चल रहा है सब कुछ ठीक है अभी क्या करें, ऐसे भी तृप्ति करते हैं। लेकिन तृप्ति बोलते समय साधन की ओर नहीं, साधन जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उसमें तृप्ति नहीं, किंतु विषय संबंध में आप तृप्ति किए बिना साधन आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि विषय भी बढ़ाए और साधन भी बढ़ाए ये हो नहीं सकता। आजकल यही थियोरी बता रहे, ये बता रहा है ज्यादा सा विषय संपर्क बढ़ाओ, ज्यादा सा विषय भोगने की इच्छा करो, तब जाके आपको ज्यादा सा आनंद मिलेगा। इस ये थियोरी पर आजकल ये व्यवसाय चल रहा है, तो इसका बड़ा जो है दुष्परिणाम होगा ये अभी मालूम नहीं होगा, कुछ 50 साल बीतने के बाद ये दुष्परिणाम होगा, क्योंकि इससे कभी कुछ फल प्राप्त हुआ नहीं। उत्तुंगल हो जाएंगे लोग, जो है क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसी स्थिति में हो जाए, और झूठ मूठ बढ़ेगा, क्योंकि झूठ मूठ को रोक नहीं सकता, लोभ जैसा बढ़ेगा गलत करना बढ़ेगा। आजकल शहरों में सुनाई पड़ता है बच्चे नौजवान क्या क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, अपने भोग वस्तु को खरीदने के लिए, पैसा के लिए कर रहा है। तो बहुत कुछ आप लोग जानते हैं, ये खतरनाक स्थिति में क्यों जा रहा है, क्योंकि ये हमारे संस्कृति के विरुद्ध में जा रहा है। हम तृप्ति करना सीखा, तृप्ति हमारे विषयों के संबंध में तृप्ति करना सीखा है, और ज्यादा विषय संबंध करना नहीं सीखा। इसलिए हम हमारे पास जितने सोर्सेस थे, जो नेचुरल सोर्सेस है वो अभी भी बहुत है, और वो दूसरा बोलता है आपके पास इतना सोर्सेस है, इतने साल से आप भोग रहे हैं तब भी समाप्त नहीं हुआ, सोर्स बहुत है, तो इसको खनिज करो, खोदो खोदो निकालो और भोग करो, तो क्या होगा। अरे इतने साल हम संयमित करके भोगा इसलिए तो इतना खनिज अभी बचा हुआ है, तब से लेकर के यदि खोदना शुरू किया दिया तो अभी कुछ बचने वाला था क्या, तो ये नाश की ओर ले जाएगा। तो सभी दृष्टि से ये गलत है, इसलिए तृप्ति ही आपके जीवन में संतोष ला सकता है और कुछ नहीं। तृप्ति और संतोष का अर्थ एक ही होता है। फिर तपः, तपस्या के बारे में पहले भी कह चुके हैं, तो तपस के लिए कहते हैं द्वंद्व सहनम, द्वंद्व को सहन करना तपस्या का एक मुख्य पहलू है। वो द्वंद्व क्या होता है, जिघत्सा पिपासे शीतोष्णे स्थान आसने और काष्ठ मौन आकार मौने च, इस प्रकार के द्वंद्व का सहन कर। तो श्रुत पिपास आदि द्वंद्व है, ये सब तपस्या के अंदर आता है, और आगे व्रतानि चैव, व्रत करना भी तपस्या है, अनेक प्रकार के व्रत है, जैसे यथा योग्यम कृच्छ्रचांद्रायण सांदवनादि, इस शास्त्र में विहित व्रत है कृच्छ्रचांद्रायण। कृच्छ्रचांद्रायण का अर्थ होता है जैसे कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन ये व्रत शुरू होता है, वो पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है, और पूर्णिमा के दिन फिर शुरू होता है, और अमावस्या के दिन समाप्त है, पूरा एक महीने का होता है। ये अमावस्या के दिन कुछ विशेष पूजा आदि संकल्प करके ये गोला खाया जाता है, मैंने थोड़ा सा अन्न, इतना जितना आप
गोड़ बना कर खाते हैं ऐसा एक गोड़ा बना के, जैसे श्राद्ध आदि में रखते हैं गोड़ा बना के, और दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन, ऐसे बढ़ाते जाएगा। और जब पूर्णिमा होंगे वो 15 खाना है, 15 पूरा खाना है। ऐसा नहीं पहले दिन तो इतना मोटा बना दिया है, एक बना के खाया पूरा पेट भर के, तो बाद में दूसरे दिन नहीं है, ये कि साइज का बनाना पड़ेगा। जो साइज का आप बनाएंगे उसके मात्रा का भी हिसाब है, वो बोलते हैं वो मात्रा से उतना ही बनाना पड़ेगा, और 15 दिन 15 गोला खाना है। फिर उधर से पूर्णिमा हो गई, पूर्णिमा के बाद एक एक घटाते जाएंगे, फिर 14 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ऐसा हो जाए। इसके साथ मंत्र जब इत्यादि करेंगे बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। एक महीना ये करते रहे, ये कृच्छ्र श्रांतरायण इसको बोलते हैं। और काष्ठ मौन और आकार मौन, जो मौन होता है मौन करते हैं, मौनता सामान्य रूप से वाणी का संयम करना मौन होता है, मुख से नहीं बोलना एक मौन होता है, और सारे हाथ पैर दिखाते हैं फिर लिखते हैं ये सब करता है, हाँ ये है आकार मौन होते हैं, इसको बोलते हैं आकार मौन। तो इसमें सब प्रकार का आकार दिखाया जाता है, वाणी तो नहीं बोल रही है किंतु हाथ से लिख रहे सब कुछ होता है। इससे आगे होता है काष्ठ मौन, काष्ठ मौन में कुछ भी नहीं दिखाएगा, न चेहरे में कोई परिवर्तन करेगा, न हाथ पैर दिखाएगा, न बोलेगा, कुछ भी नहीं, जैसे पत्थर है पत्थर जैसा बैठे रहे, कोई एक्शन नहीं दिखाना, कोई कम्युनिकेशन नहीं करना, उसको कहते हैं काष्ठ मौन। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलेगा, जैसा आपको उसको कुछ पूछा तो नहीं सुना, जैसा जैसा कान नहीं है ऐसा बैठा रहेगा, कुछ देखा तो नहीं देखा जैसा। तो इस प्रकार से बिल्कुल एक स्थिति में ही बैठे रहना, ये काष्ठ मौन है। तो वो भी आचरण करते, ये भी तपस्या में आता है, और आकार मौन भी तपस्या में आता है। और स्वाध्याय है मोक्ष शास्त्र का अध्ययन, और ये भी पहले कहा है। ईश्वर प्रणिधान है, ये भी पहले कह चुका है। परम गुरु सर्वकर्मणा अर्पणम, परम गुरु जो भगवान है, भगवान में सब कुछ अर्पित करना, ये ईश्वर प्रणिधान और स्वाध्याय ये दोनों पहले कहा। तो ये सब जो अभी भी यहाँ कह रहे हैं वो पहले मध्यमाधिकारी की दृष्टि से कहा था, यहाँ मंदाधिकारी की दृष्टि से कहा जा रहा है। ये यमन नियम सौजादि के साथ, देखो इसको सौजादि की सब जरूरत है, उसके लिए तो सौजादि नहीं बोला था, उत्तम अधिकारी के लिए सौजादि बोला था, नहीं बोला, नहीं बोला, उसका मतलब वो सौज नहीं करेंगे ऐसा है क्या? नहीं है, सौज से जो सिद्ध होना है वो सिद्ध हो गया है, वो सौज में स्थित है, सौज में उसकी निष्ठा है, इसीलिए उसको सौज बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें निष्ठा नहीं है तो आगे बढ़ेगा नहीं। और मध्यम अधिकारी के लिए भी वो नहीं कहा, क्योंकि वो भी उसको जानता है, इसलिए इसको इसके सब आवश्यकता उसको नहीं है, क्योंकि उसका ये इस तरह का मन नहीं है, उसका मन और दूर मतलब उसके ऊपर के स्थिति में पहुंचा हुआ है, इसलिए ये सब वहां नहीं कहा। तो इसका फल बताया था वहां ईश्वर प्रणिधान आदि का, तदप प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो अंदराय अभावश्च, वो फल यहां भी होगा, अंदरायों का अभाव हो जाएगा ईश्वर प्रणिधान आदि करने से, जैसा फल पहले बताया वो हो जाएगा। तो इनको इनके साथ करना पड़ेगा, ईश्वर प्रणिधान अकेला नहीं होगा, यम नियम आदि के साथ ही उसको ईश्वर प्रणिधान स्वाध्याय तब आदि करना पड़ेगा, तभी उसको कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके अधिकारित्व कमजोर है, नहीं स्थिर है। अब ऐसे में बोलते हैं कि बात तो ठीक है, जो कुछ आपने बोला हिंसा आदि के बारे में, इतना पालन करना बड़ा कठिन होता है, कभी कभी हिंसा आ जाती है, हो जाती है, तो क्या किया जाए ऐसे में? तो हिंसा की भावना मन में उदित होने पर क्या किया जाए, इसके क्या भावना करने? तो कृपा करके देखिए कितना प्रेम से कह रहे हैं कि ऐसे भावना आने पर कैसे विपक्ष भावना करना है। तो ऐसे हिंसा के लिए विचार आ गया तो उस समय आपको क्या सोचना चाहिए, क्रोध आ गया तो उसके लिए क्या सोचना चाहिए, क्रोध मन में आने पर क्या वृत्ति बनाने पर क्रोध चले जाए, इसके लिए एक नमूना बता रहे। ये हिंसा आदि जितने भी बताए हैं सबके लिए इसका प्रतिपक्ष भावन हो जाए, प्रतिपक्ष भावन मन विरुद्ध भावना, जिससे कि पहला पक्ष चला जाएगा उसको कहते हैं प्रतिपक्ष। पहला पक्ष हिंसा करने का आ गया तो इस ये भावना को करने से वो अहिंसा आ जाती। तो विदर्क वाधने प्रतिपक्ष भावनम,
विदर्क बाधने, विदर्कों से बाधित होने पर। विदर्क शब्द का अर्थ पहले स्थूल विषय किया था, जो नामादि रूप से अत्यंत प्रकट हुआ जो विषय है वो स्थूल विषय को विदर्क शब्द से लिया था। तो यहां जो विदर्क आ रहे हैं, सब टीकाकार जो है विदर्क को यहाँ हिंसादि के रूप में ही ले रहा, क्योंकि आगे विदर्कः हिंसादयः सूत्रकार स्वयं कह रहे हैं। तो पहले जो विदर्क शब्द से कहा और इसमें कुछ भेद करके टीकाकार अर्थ कर रहे हैं, विपरीत तर्कः विदर्कः ऐसा अर्थ कर रहे हैं। तर्क माने विचार, आप जो है सद्विचार से चला किंतु अभी ये विरुद्ध विचार आ गया, अहिंसा करना चाह अहिंसा के विचार से चल रहे थे किंतु हिंसा आ गई, ये वितर्क हो जाएगा। किंतु यहां भी वही अर्थ लिया जा सकता है, वितर्क शब्द का अर्थ विपरीत भावना लेना तो यहां संदर्भ से उचित है, किंतु वो विपरीत भावना कैसे प्रकट हो गई, वो स्थूल आकार में बलवान होकर के दृढ़ होकर के प्रकट हो गई। तो हिंसा, पहले हिंसा का पता नहीं चल रहा था, अभी वो हिंसा प्रकट हो गई, तो प्रकट होने से वो स्थूल भाव में आ गया, हिंसा अभी करने के दृष्टि में आ गया, तो करने के दृष्टि में जो हिंसा आ गया उसको विदर्क कहा जा सकता है, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि वो अभी हम हिंसा के अधीन है, हमारे अंदर हिंसक भाव आ गया। इसको पहले प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम शब्द से, उदार शब्द से कहा, अभी हिंसा उदार भाव में आ गया, उदार भाव माने सबसे प्रकट होने का भाव है, स्थूल भाव है, इसलिए विदर्क शब्द का जो अर्थ स्थूल किया था वो अर्थ भी यहां संबंध कर सकते। तो वो ऐसे स्थूल भाव में आया हुआ जो हिंसा आती है, क्योंकि अहिंसा के दृष्टि से ही ये हिंसा भाव विपरीत है, अहिंसा हम चाहते हैं और हिंसक भाव हो गया तो विपरीत भावना। तो ऐसे ये जो विपरीत भावनाएं प्रकट होने पर स्थूल भाव में आकर के आपके मन को विक्षिप्त करने पर प्रतिपक्ष भावनम, उसके विपरीत पक्ष का भावना करना पड़ेगा, तब वो चले जाए। तो ये कैसे करना है इसको ये तो सूत्रकार नहीं बताए कि हिंसा भावना कैसे आ जाती है और अहिंसा भावना को कैसे बनाना है मन में, वो हिंसा को कैसे निकालना है मन में। द्वेष आ जाता है, हिंसा का यहाँ द्योतक द्वेष है, तो द्वेष आने पर द्वेष को कैसा हटाना है इसके लिए भाष्यकार बढ़िया से बता रहे हैं कि कैसे होता है। बोला कि एक ब्राह्मण साधक था, उसके मन में यह आ गया, हनिष्यामि अहम् अपकारिणम्, मैं मेरे शत्रु को मारूंगा, अनृतम अभिवक्ष्यामि, चाहिए तो झूठ भी बोलूंगा जरूरत पड़ेगा तो, ब्राह्मण सोच रहा है अपने आप, द्रव्यम अभी अस्य स्वीकरिष्यामि, हैं उसका द्रव्य भी स्वीकार करूंगा, परिग्रह वो धन आदि देंगे तो स्वीकार करूंगा, मतलब द्रव्य कहां से लाएंगे, दारेषु च व्यवसायी भविष्यामि, और जो है पर स्त्रियों में व्यवसायी हो जाऊंगा, मतलब ब्रह्मचर्य का विपरीत, पर स्त्री संगम करूंगा, परिग्रहेषु च अस्य स्वामी भविष्यामि, और ज्यादा से ज्यादा परिग्रह करके इसका मैं स्वामी बनूंगा, ऐसे सब उल्टी भावना, उसको तो ये सब नहीं होना चाहिए था, तो उसका विपरीत हो गया, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का विपरीत भावना, तो ये भावना आगे खड़े हो गए, ये सब करने के लिए उद्यत हो गया, तो ऐसा करते हैं लोग, तब क्या करना है, तब बोलते हैं एवं उन्मार्ग प्रवण विदर्क ज्वरेण अधिदीप्तेन बाध्यमाना, यहां देखिए अधिदीप्त कहा, इस प्रकार से उन्मार्ग में ले जाने वाले विदर्क ज्वर से, ज्वर का मतलब ये बहुत पीड़ित हो रहा है, उसको रोका नहीं जा रहा, तत् प्रतिपक्षान भावे, तब उसके प्रतिपक्ष की भावना ऐसा करें, देखिए कैसे करना है, घोरेषु संसार अंगारेषु पच्यमानेन मया शरणम उपागतः, मैं तो ये घोर संसार से तप्त हो रहा था, परेशान हो रहा था, जन्म जन्मांतर से मैं ये दुख को भोग रहा था, ऐसे पच्यमानेन पकता हुआ मेरे को
अब शरण प्राप्त हो गया, ये योग साधन रूप शरण प्राप्त हो गया है। बहुत मुश्किल से कई जन्म के बाद इंतजार करते करते परेशान होकर के अब आज मुझे योग साधन करने के लिए, साधन मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए मौका मिला। सर्वभूत अभय प्रदानेन योग धर्म, वो योग धर्म सभी भूतों को अभय प्रदान करके, कल कहा था अहिंसा के बारे में बताते समय, ये अभय प्रदान धर्म होता है। अभयम वै भूदेभ्यो दत्वा, ये कहा था। तो अभय प्रदान रूप जो योग धर्म है, बहुत मुश्किल से मुझे अभी इस जन्म में इस समय प्राप्त हो गया और सब कुछ हमारी परिस्थिति ठीक है, ऐसे मौका हमको प्राप्त हो गया। सखलु अहम त्यक्त्वा, उसको मैं छोड़ करके विदर्कान पुनः स्थान आददाना, पुनः उन विदर्कों को, उन हिंसा आदि को यदि मैं अपनाऊंगा, यदि मैं उसी में पुनः प्रवृत्त होऊंगा राग आदि के कारण, तो तुल्य स्ववृत्ते नैदि भावये, मैं तो कुत्ता के समान हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यथा स्वांदावले ही तथा त्यक्तस्य पुनरादादन इति एवं आदि सूत्रांतेषु अपि योज्यम्। तो जैसा कुत्ता उल्टी करके अपने आप उसको खाता है, उल्टी किया वो अपने आप किया उल्टी, उसी को फिर खाता है, ऐसे में वांत को खाने वाला है, उल्टी किया उल्टी को खाने वाला हो जाओ। सब कुछ त्यागा, सब कुछ किया और अभी साधन में प्रवृत्त हुआ, फिर ये हिंसा आ गया, हिंसा के चक्कर में फिर मैं पड़ गया तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, मुझे इसमें पड़ना नहीं है, मुझे इससे बचना है, मुझे उल्टी नहीं खानी, ऐसा भावना करें। ऐसी भावना करेंगे तो आप प्रवृत्त होंगे नहीं, ये हमको याद नहीं रहता। कभी कभी हम ये भी भूल जाते हैं, हम साधक है, सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, ये भी भूल जाते हैं। जब क्रोध आदि आ जाता है, काम आदि आ जाता है या विषय लालसा होती है, तो हम भूल जाते हैं कि हम ब्रह्मचारी है, हम किस धर्म के आचरण करते हुए जी रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भूल जाते हैं। और करते हैं, करते समय कोई बोलेंगे अरे भाई ये मत करो, ये तुम्हारे लायक नहीं है, कोई याद दिलाए तो उसके ऊपर गुस्सा भी होता है, ये कौन होता है मेरे को बोलने वाले, हम तो बड़े हैं। ये एक कैसे, देखिए अपने आप तो ये सोचना चाहिए, अपने आप ये सोचा है तो प्रॉब्लम है ही नहीं, अपने आप तो नहीं सोच रहा है, गलत कर रहा है और दूसरा कोई कृपा करके दूसरा बता रहा है, देखो भाई ऐसा मत करो, ये गलत काम है, ये साधु के इष्ट काम नहीं है, उचित नहीं है, ब्रह्मचारी के लिए उचित नहीं है, ऐसा बोला तो उसको भी ठुकरा देता है और उससे गुस्सा करता है, ये बार बार हमको टोकता है। तो ये हमारी स्थिति है, आप देखिए हमारी स्थिति कहाँ है, हम तो ना पीछे देख रहे हैं ना आगे देख रहे हैं, हम तो केवल विषय संबंध में जो लालसा उदय हो गए उसके वशीभूत होकर के उसी के पीछे पड़े हैं, इसमें कोई गलत नहीं। इस समय हम जो कामी व्यक्ति है उससे कोई अलग नहीं है, हम साधु है लेकिन साधु होकर के हम ऐसा कर सकता है, वो ऐसा ना करे, दूसरे को उपदेश देता है, साधु करे तो हो जाता है, साधु को कुछ भी कर सकता है, साधु क्या उसको ये करता, साधु तो वो नहीं करता है तो साधु उससे कई गुणा नहीं करता, नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ये परेशानी हो जाती है, तो बोलते हैं ऐसी भावना को आप निरंतर बनाए रखें, जो आपके मन में कोई विचार आया तो सोचे ये मौका आपको कितने सुवर्ण अवसर ये मिला हुआ है कि आपके शरीर में ये ताकत रह गया, मन में ये विचार आ गया और आपको रहने के लिए स्थान मिल गया, पहनने को कपड़ा मिल गया, खाने को खाना मिल रहा है, सब कुछ व्यवस्था है, भगवान सब आशीर्वाद से आपको साधन के लिए दिया हुआ है, किंतु करता नहीं, फिर भी इधर उधर छोटे मोटे चीजों को करता रहता है, खेल कूद में समय चला जाता है, इधर उधर मन व्यस्त करता है। तो आप सोचना चाहिए कि एक क्षण जो आपका जा रहा है तो आपका जीवन ही उसमें जा रहा है और आगे जो प्राप्त होने वाले उससे आप च्युत होते जा रहे हैं, इस प्रकार से विदर्क भावना करनी चाहिए। कहा तो बोलते हैं ये विदर्क कैसे कैसे प्रकट होता है, बोलते हैं इसका भी कुछ प्रक्रिया। विदर्क जितने वहां कहा गया है, माने अहिंसा का विदर्क है, अहिंसा का विपरीत है हिंसा, सत्य का विदर्क, सत्य का विपरीत है असत्य, और ब्रह्मचर्य का विपरीत है अब्रह्मचर्य,
स्तेय का अस्तेय का स्तेय और अपरिग्रह का परिग्रह, ये पांचों जो है कैसे होते, तो बोलते हैं उसके लिए ये आपके द्वारा किया हुआ भी होता है सीधा सीधा, और आपके द्वारा कराया हुआ होता है। आप स्वयं तो हिंसा नहीं कर रहे हैं, किसी को पीटना चाहते हैं किंतु आप स्वयं नहीं पीट रहे, दूसरे को बोल रहे कि आप पीटो उसको, कारित। और आपने न स्वयं पीटा न दूसरे के द्वारा पिटवाया, किंतु किसी ने पीट के आके आपको बोला कि मैंने उसको पीटा खूब, हाँ बहुत अच्छा, उसको पीटना ही चाहिए था। तो ये तीन प्रकार के होते, कृत कारित अनिमोदित, ये तीनों का फल आपको मिलेगा, क्योंकि तीनों में आपकी हिंसा भावना नष्ट नहीं हुई है। आप तो तीनों में हिंसक ही है, स्वयं नहीं कर रहा है कुछ कारण से, नहीं करा।